जो मोर्चे की स्थिति हुई है उस हालत का जायजा लिया गया और सरकार की हालत का जायजा लिया गया और हमारे आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है उस बात के ऊपर चर्चा हुई। बहुत पॉजिटिव ढंग से हुई। विधान की मंडल में जो साथी बैठे हुए हैं जिनमें राज्यपाल जी नहीं आए, वो राज्यपाल जी आने से हमारी पांच मेंबरीय कमेटी ने विधान की मंडल की थी। उसके अंदर सबसे बड़ा इशू था कि एमएस अपने तीन कानूनों के साथ जो मांगे हमने पहले सरकार से दी थी, जिसकी तोमर के साथ खेतीबाड़ी मंत्री के साथ सीटिंग होती हुई है, उसमें एमएसपी की बात, बिजली बिल 2020 की बात और पराली वाले प्रदूषण की बात, ये तीनों मसलों के ऊपर अभी कोई निर्णय वाला फैसला, ठोस फैसला सरकार की नहीं आया। रूटमी प्रपोजल आ रही है, वो अभी तक नहीं पहुंची और उसके बाद में जो आंदोलन दौरान हमारे केसेस हुए हैं, जहां आंदोलन दौरान कोई घटना वापर गई, जो आंदोलन की स्थिति में पैदा हुए मसले हैं, जैसे आंदोलन दौरान तकरीबन 700 के ऊपर किसान शहीद हुआ है, उनकी कंपनसेशन का मसला, आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर उनका एक मसला, और तीसरा जो लेखमपुर खीरी की घटना हुई है आंदोलन दौरान, वो उसका भी मसला पेंडिंग है। इनके ऊपर विचार चर्चा हुई है और इसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे दूसरे साथी बताएंगे। आप धामले जी, पत्रकार साथियों, आज एसकेएम की बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज हुई यहां सिंघू बॉर्डर में, और ये जो तीन कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने एक साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज के इस एसकेएम के मीटिंग में पूरे देश के किसान और मजदूरों को उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी। लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था एमएसपी को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून ये बनाना चाहिए, दूसरी मांग थी ये जो बिजली बिल 2020 जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा, ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपए और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान तीन बातें जो सामने आई जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई, इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं, वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, जो भाजपा के राज्य है
सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं, तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई, हमारे 700 जो शहीद हुए इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए, और यहाँ सिंघु बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे चार किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं, इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहाँ पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर, ये हमारी मांग थी। तो आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ, आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी एसकेएम ने तय की, वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी, और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत जी, सभी का धन्यवाद। और बहुत सी बातें हुई, और पिछले एक साल से जो ये आंदोलन चल रहा है इस पे आप सब लोगों को जानकारी है कि क्या क्या इशू, क्या क्या मुद्दे हैं। और अभी जो लेटेस्ट नॉलेज है जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी, वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं, ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ुन जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धल्ले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जो भी सरकार से बातचीत करेंगे किसी भी मसले पे बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी, 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं उन सब पे, क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई है, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती है। अपने ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है, ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी, और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे, ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा, ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी शिवराम काका जी, ये नमस्कार जी, 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था, थोड़ा सा नीचे हो गया, 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई
लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी पहली है। गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं, वो मुकदमे सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेत का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन पर कोई वो नहीं है। 5 मेंबरी कमेटी एमएसपी पर गारंटी के कानून की क्या शक्ल हो उसमें हमारे तमाम सीनियर लीडर हैं, वो तय करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर यथावत यथास्थिति बनाए रखेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात जो रह गई है साथियों, हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई है, उनको अथॉरिटी भी है, वो बात करने के जाएंगे, वो फैसला कुछ बातें हैं जो उनके ध्यान में है। जो कानून 3 कानून रिपील होने के बाद जो मांगे हमारी पेंडिंग है, जो एक दुकड़ बात आ रही है कि ये मान ली केस वापस हो गए, कंपनसेशन दे देंगे, कैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बातें चल रही है। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहां से नहीं जाएगा, एक साफ बात। दूसरी बात, जितने भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कॉम्पनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की, जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। इस बात की प्रपोजल हमारी कमेटी ने हमने उधर तय किया भी इसी रखें कि सरकार कल को ऐसा ना हो वो लिफ्ट है नहीं, हमारे पास कोई सबूत प्रूफ है नहीं, वो सरकार कुछ बातें कहकर वापस मुकर जाए, क्योंकि ऐसा होता है। जैसे वैसे तो एक लॉजिक ये है, जब आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होगा, जिन बातों के ऊपर आंदोलन चलता था, उस आंदोलन दौरान जो केसेस होते हैं या केस डालते हैं ऑटोमेटिक पक्ष सरकार को रद्द करने चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि पर्चे भी रद्द कर दिए, नहीं पर्चे रद्द नहीं किए, फिर केस वो मसला सुलझ गया, लेकिन पर्चे स्टैंड कर गए, उसमें हमारे पंजाब में कई केसों में लोगों को सजा हुई। इसलिए हमारे को ये पक्का इसका शक है कि ऐसा ना हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक एक कानून ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखो पहला ये बात है, अभी चल रही है सरकार को ये बोलने का था कि हम मसला तो भाई हल कर दें, भी आपके पास किसके साथ बात करें। अभी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे राज्यपाल जी हैं, अशोक दाबले जी हैं, गन्ना टिंडूनी हैं, हमारे दुधवीर जी हैं, ये काका जी हैं, ये सारे आदमियों के नाम पर हमने आपके जरिए सरकार तक पहुंचा दी, जिनसे बात करनी है इनके नंबर भी है उनके पास, इनसे संपर्क करें। तो ऐसा नहीं भी सरकार कह सकती भी इस मोर्चे का तो आपको अगुवाई करने वाला कोई नहीं है,
देखिए साथियों, पहले सहमति क्यों नहीं बन सकी, क्योंकि बड़ी बातें थी, अभी बहुत कम बातें रह गई हैं, तो एक दो आदमी का छोटी कमेटी को सजाने के लिए दिक्कत नहीं कोई आएगी, इसलिए हमने छोटी कमेटी बनाई है। पहला भी कह रही थी कि छोटी कमेटी बना दी जाए, पांच मेंबर की, सात मेंबर की कमेटी बना दी जाए, पर उस समय तुसी राजी नहीं सी, आज तुसी उस गल से राजी हो गए हो, नहीं सरकार के नाल छोटी कमेटी गल करे, बड़ी कमेटी ये जो कमेटी है इसका, क्योंकि मैं आपको रिपीट कर दोबारा रिपीट करता हूँ बात, ये पहले कमेटी क्यों नहीं बनी छोटी, पहले मसला बड़ा बाकी था, पहले ऐसा था कि कहीं हमारी छोटी कमेटी इसमें संशोधन करने के ऊपर, अमेंडमेंट करने के ऊपर ना मान जाए, या कोई ऐसा दबाव ना मान ले, इसलिए छोटी कमेटी के ऊपर हम एग्री नहीं हुए। अभी हमारी बड़ी बात मानी गई है, अभी छोटी बातें बाकी रहती है, उसके ऊपर हमारी कमेटी को बहुत हमारा, वैसे तो हमारी कमेटी बहुत जो है कर लेगी, लेकिन ये छोटी कमेटी की बात को, अभी हमारा मसला निकल गया, बहुत छोटा रह गया, और उसके ऊपर बात करने के लिए देखो सरकार नो बार बार ये आ रही है भी तुसी छोटी कमेटी बनाओ, सरकार चाहती है भी साडे नाल कोई गल करे, एक कमेटी हुण वैसे ना साडी गलबात साडे कोले आउंदे, कदे राजेवाल को, कदे युद्धवीर जी कोले, फिर हम पंजाबी बोलने लग गए, बहुत हिंदी वाले हैं, इस करके साथियों बहुत सारी बातें पहले आती रही हैं, हमारे अकेले अकेले के पास आती रही है, अभी हमारी अभी तो एक अथराइज कमेटी है जो एसकेएम ने इनको अथॉरिटी बना दिया, ये अथॉरिटी के साथ सीधी बात करने में उनको क्या दिक्कत है, हमारी कमेटी को हमने अथॉरिटी दी है कि हम इन बातों के ऊपर बहस करनी है, आप सेटिस्फाई हुए तो फैसला करके जब आएंगे तब आंदोलन की समाप्ति भी होगी, और आंदोलन जहां से जाएगा भी, आगे भी क्या करना है, एसकेएम बरकरार रहनी चाहिए, आगे किसानी की बहुत सारी मांगे रह रही हैं जो स्टेट में जाकर लड़ना है, तुसी भी कर दो कैंडिडेट का, कोई तुसी भी कर सकते हो, कर दो। सर सवाल ये है कि इससे पहले जो आपकी एम्पावर्ड कमेटी 9 मेंबर्स की थी, तो आप डिसीजन मेकिंग क्या वो खत्म हो गई है, नंबर एक है, 9 मेंबरी कमेटी है, 9 मेंबरी कमेटी रहेगी, वो आकर तक रहेगी जब तक ये इंडिया का आंदोलन खत्म हो जाने के बाद में भी, अगर ये आंदोलन हमारा एक मुद्दे के ऊपर खत्म हो गया, अभी बड़ी मांगे हैं दुनिया की किसानी की, बड़ी बड़ी साहब आमने सामने होगी, अब आमने सामने होगी, आमने सामने होगी, ये कमेटी बना दी, ये ऑथराइज कमेटी है, और किसी भी भारत सरकार को संपर्क करना है, हमारी ऑथेंटिक ऑथराइज कमेटी है, इनसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा, देखो एक रुक तो जाओ महाराज, ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ के बातचीत करने का एक माध्यम है, इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी, एक बातचीत का एक रास्ता है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजा है, उसमें अंदर जाएगी, ये सारा काम अपने आप करेगी, किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल से संपर्क किया था, ये क्या पता किसने किससे संपर्क करा, अब इससे संपर्क कर रहा कमेटी है, अब जिससे भी बात करेंगे, ये 5 लोग ऑथराइज कर दिए, अब बिल्कुल सरकार भी खुल के बात करे, ये कमेटी भी खुल के बात करे, भेज दे, अरे ये तो जाली है सरकार के पास में, हाँ जाली है सरकार, आपके माध्यम से चलेंगे, जो भी मीटिंग सरकार के साथ होगी, जैसे यही करेंगे, जैसे पहले ऑन रिकॉर्ड बात होती थी कि इस जगह पे इतने बजे कर रहे हैं, ये चीज तय होगी, या अपने लेवल पे ऑफ रिकॉर्ड भी आप बात कर सकते, नहीं ऑफ रिकॉर्ड ये कर लेंगे ना, जैसे करेंगे ये कर लेंगे, अब इनको ऑथराइज कर दिया, मीडिया को भी बताएंगे, अरे आप पता नहीं हमें भाई मीडिया को बता देंगे, मीडिया का उद्दा कोई रह सके, वो चीज आ रही है सर, एक आप बोल रहे हो कि हमने कमेटी अपने आप बनाई है, दूसरा बोल रहे हो कि सरकार चाहती थी छोटी कमेटी बने, अरे वो तो कहने पे बनी है, जो आपने सरकार कोई इसकी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर नहीं है इस संगठन की,
सरकार ने ये एक आपके माध्यम से करा कि छोटी कमेटी दे दो, पांच आदमियों के नाम दे दो। सरकार एक समझौते की तरफ जा रही है और उसका रिजल्ट ये हो गया कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई। उनके ये मैसेज थे कि बातचीत करें, तो हमने पांच लोग जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं सब यही हैं, ये बातचीत उनसे करते रहेंगे। अरे देर कहाँ होगी, देर अरे, और सरकार ने भाई बातचीत करने में ये कानून वापसी करने में लेट करा। अरे चलो अब कमेटी पे क्यों करो, ये बना दी अब इसके हालमाला डाल ले इस कमेटी के, सरकार जो कुछ कर रहा है इसका कर ले। ये सभी ये कमेटी ही अपनी बात करेगी, जो भी करना है ये कमेटी बात करेगी। हमने ये पांच दे दिए, जो भी बात करेगी ये कमेटी बात करेगी। अब सर मान के चले जैसे आपने बोला कि 7 तारीख को अगली मीटिंग है, हाँ बीच में जो 5-6 का दिन बाकी, दो दिन में आपकी बात सरकार से हो, हमें नहीं पता होगी हो सकती है आज ही। हाँ तो ठीक बात है, हमें क्या तकलीफ है यार। अरे कमेटी तो बना दी, कमेटी को बात तो कर दे दो। लो जी हो गया, धन्यवाद भाई आप सब।